हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में। जैसे आपको पता है, क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित। गणित के काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहां पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे एक नंबर, 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकलता है, तो जो संख्या दिया हुआ होता है उसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद जो बीच में संख्या आता है वही उसका क्या होता है, माध्यक होता है। तो जो यहाँ पे संख्या दिया है सबसे पहले हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 से बड़ी संख्या कौन है, 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 से बड़ी संख्या कौन है, 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 6 से बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 7 से बड़ी संख्या फिर 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 से बड़ी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 9 है, तो 9। फिर 9 से बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है, तो 10। फिर 10 से बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे लिख दिए 12। ये हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए संख्या गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सम संख्या आ रहा है, यानी 8 संख्या आ रहा है, तो इसमें बीच की संख्या नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, 3 इधर से छोड़ देना है, 3 इधर से छोड़ देना है। बीच में कितनी संख्या आएगी, 2 संख्या आएगी, बीच में 1 संख्या इसमें नहीं आएगा। अगर बीच में 1 संख्या आता तो वही उसका क्या हो जाता, माध्यक हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या आएगा बीच में, तो इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है, इसमें 2 से आपको क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो 8, 7 कितना होगा, 15 होगा, तो 15 लिख देंगे, बट्टा यहां पे 2 लिख देंगे। जब इसको कटाएंगे यानी जब इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7.5 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और काफ़ी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार आप लोग यहाँ पे क्लास टाइमिंग देख लीजिए, टेस्ट कब होता है तो सुबह 5 बजे, सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है तो दिन में 1 बजे, मॉडल पेपर कब होता है तो 6 बजे शाम में, क्रैश कोर्स कब होता है तो 8 बजे रात में। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, एक अर्धवृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। इसका व्यास कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो ये इसका व्यास है कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल इसका ज्ञात करें। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें 2 से हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए पाई का मान यहाँ पे ऑप्शन में नहीं रखा है, तो हम लोग भी पाई का मान नहीं रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर चाहिए, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो व्यास 8 है तो आधा कितना होगा, 4, 4 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है व्यास बट्टा क्या होता है, 2। तो व्यास कितना दिया है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर, और बट्टा यहाँ पे 2 करेंगे, कटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी व्यास कितना निकलेगा यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, यहाँ पे व्यास निकलेगा। अब हमको निकालना क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/2 पाई का मान आपको नहीं रखना है, क्योंकि पाई का मान ऑप्शन में नहीं रखा है। तो यहाँ पे देखिए पाई और त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ पे त्रिज्या अभी निकाले हैं हम 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब ये हो जाएगा 1/2 पाई, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, यानी 4 सेंटीमीटर गुणे ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और ये नहीं कटेगा आप किसी से, तो यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8, पाई है तो पाई,
और यहां पर देखिए सेंटीमीटर में, जब सेंटीमीटर से गुणा होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस अर्धवृत्त का, क्या होगा यहां पे क्षेत्रफल होगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है। ये एक प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का आता है, तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि बिंदु 3-4 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए एक आलेख जैसे बनता है, यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया हम लोगों का वाई अक्ष और ये हो गया हम लोग का एक्स अक्ष, और जहां पे ये कटता है ये इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0-0 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा था सेंटअप एग्जाम में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0-0 होता है। उसके बाद ये देखिए, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे देखिए किसी भी बिंदु के 2 नियामक होते हैं, ये x नियामक है और ये क्या है यहाँ पे y नियामक है, यानी x का मान इसमें कितना है 3 है और y का मान कितना है यहाँ पे -4 है। y का मान इसमें कितना है -4 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहला चतुर्थांश है तो इसमें x का भी मान प्लस होता है और y का भी मान क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है x का मान माइनस होता है और y का मान क्या होता है प्लस होता है। तीसरे में क्या होता है, दोनों ही मान यहाँ पे क्या होते हैं माइनस में, यानी x का भी मान माइनस में होता है, y का भी माइनस मान जो होता है वो माइनस में होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कि x का मान इसमें प्लस में होता है, x का जो मान होता है वो प्लस में होता है और y का मान किस में होता है माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 का मतलब क्या है, ये प्लस 3 है, यानी x का मान प्लस है और y का मान क्या है यहाँ पे देख सकते हैं -4 है, यानी y का मान माइनस में है और x का मान प्लस में है। तो x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। किसी आंकड़ों की माध्यक 12 और बहुलक 18 है तब माध्य ज्ञात करें। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोल रहा है यहाँ पे कि किसी आंकड़ों का माध्य कितना दिया है 12 और बहुलक दिया है यहाँ पे 18, तो माध्य आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर आपको पता नहीं है तो, यहाँ पे लिख देते हैं 3 माध्यक बराबर क्या होता है बहुलक, क्या होता है बहुलक जोड़ 2 क्या होता है माध्य, क्या होता है जोड़ 2 माध्य होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माध्य होता है सॉरी, तो यहाँ पे माध्यक जो दिया है तो यहाँ पे माध्यक का मान रख दीजिए, जो बहुलक दिया है यहाँ पे बहुलक रख दीजिए, उसके बाद आपका माध्य बिल्कुल ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 गुणे, यहाँ पे देखिए माध्यक कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 बराबर है तो बराबर, बहुलक कितना दिया है 18 दिया है तो बहुलक के जगह पे हम 18 लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, 2 है तो 2 देंगे, और हमको माध्यक निकालना है इसका, इसी को निकालना है, हमको पता नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पे देखिए 3 में जब 12 से गुणा होगा तो 12 कितना हो जाएगा 36 बराबर इधर क्या हो जाएगा 18 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 माध्य, ये वैसे ही इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि इसी का मान आपको निकालना है। तो यहां पे देखिए प्लस 18 है, जब बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 18, यानी 36 माइनस 18 बराबर उधर क्या हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर 2 माध्य हो जाएगा। तो 36 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बराबर उधर क्या बचेगा 2 माध्य बचेगा। अब हमको माध्य का मान निकालना है तो 2 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, यानी 18 बट्टा कितना हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माध्य सिर्फ इधर बच जाएगा। तो हम जब इसको कटाएंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 बराबर कितना निकल जाएगा हमारा माध्य निकल जाएगा, यानी माध्य का मान कितना निकल गया 9 निकल गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 4y और यहाँ पे देखिए 6.9 और यहाँ पे x.4 है तथा इसके केंद्र का शीर्ष 3.6 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। यहां पे आपको क्या निकालना है,
यहाँ पे आपको x और y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या दिया है यहाँ पे देखिए, इसके केंद्र का निर्देशांक दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3 और 6। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं त्रिभुज के केंद्र, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है क्या होता है x1 प्लस यहाँ पे होता है x2 प्लस होता है x3 बटा यहाँ पे 3 होता है, और ये क्या होता है y1 प्लस यहाँ पे होता है y2 प्लस होता है y3 बटा यहाँ पे 3 होता है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का जो केंद्र का निर्देशांक दिया है वो आपको यहाँ पे रख देना है, तो यहाँ पे इसके केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है 3.6 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 3.6। उसके बाद यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 हमको जोड़ देना है, तो ये होगा x1, ये होगा x2 और ये होगा x3, आपको पता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 प्लस 6 और प्लस यहाँ पे x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बट्टा के नीचे 3 है तो 3 लगा देंगे। फिर आपको y1, y2, y3 जोड़ना है, तो ये होगा y1, ये होगा y2 और ये होगा यहाँ पे y3। तो यहाँ पे देखिए y1 y है तो y लिखेंगे, प्लस y2 कितना है 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और y3 कितना है 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो यहाँ पे देखिए 3.6 इसको वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा 6 और 4 जोड़ दीजिए 10, और प्लस x बट्टा यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे देखिए ये क्या होगा y प्लस 9 और 4 जोड़िएगा तो 13 होगा, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। तो ये देखिए किसी भी बिंदु का यहाँ पे दो निर्देशांक होता है, एक x का होता है और एक क्या होता है यहाँ पे y का। इसमें भी क्या होगा एक x का ये निर्देशांक है और ये क्या है y का निर्देशांक है, तो x वाले को x के बराबर कर देंगे तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा, और y वाले को अगर y के बराबर करेंगे तो y का निर्देशांक निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम x वाले को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर, ये x का यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस यहाँ पे x बटा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस x में जब x से गुणा होगा तो ये 10 प्लस x हो जाएगा बराबर 3 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है x का मान, तो ये +10 है बराबर के उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, नहीं x बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा 10, 9 में से जब 10 निकलेगा कितना बचेगा -1 बचेगा यहाँ पे, यानी x का मान कितना निकल गया -10। अब आपको क्या करना है, ये जो y वाला मान है इस y वाले मान के आपको क्या करना है बराबर करना है, तो यहाँ पे देखिए 6 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस यहाँ पे 13 और बट्टा यहाँ पे 3। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y प्लस 13 में 1 से गुणा होगा तो y प्लस यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो घटा देगा, यानी y बराबर कितना होगा 18 माइनस 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी x का मान यहाँ पे -1 होगा और y का मान यहाँ पे 5 होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, tan 2 थीटा बराबर cot θ -6° हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इस थीटा का मान आपको क्या कर देना है निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न दिया है सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं tan 2 थीटा बराबर यहाँ पे क्या है cot θ - यहाँ पे क्या है 6 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा का आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे tan है और cot है इसको हटाना पड़ेगा तभी हमको यहाँ से क्या निकलेगा थीटा का मान निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cot 90° माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा, जो यहाँ पे थीटा होता है वही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे cot 90° - 2θ, तो यहाँ पे tan 2θ है इसके बदले में हम लिखेंगे cot 90° - यहाँ पे लिखेंगे 2θ, और यहाँ पे देखिए cot θ - यहाँ पे 6 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोट से कोट कट गया, इधर क्या बचा तो 90° - 2θ बचा, और उधर क्या बचा θ - 6° बचा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर के इधर लाना है, तो 90° - यहाँ पे 2θ और ये +θ है इधर आएगा तो -θ, और ये यहाँ पे देख सकते हैं -6 है, जब बराबर के इधर आएगा तो +6° यहाँ पे हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ पे देखिए 90 ये भी प्लस में है और ये 6 भी प्लस में है, तो 90 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96°, और यहाँ पे देखिए -2θ और -1θ कितना हो जाएगा -3θ, बराबर के उधर बचेगा 0। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
थ्री थीटा है, जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 96 थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 थीटा बराबर को उधर जाएगा तो प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा। उसके बाद हमको थीटा का मान निकालना है, तो 3 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 96 डिग्री बट्टा यहाँ पे 3 बराबर उधर क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे देखिए 3 से कटा दीजिए 3 3 9 3 2 यहाँ पे 6 यानी 32 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ पे 32 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल 40-50 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है 40-50, तो इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो जो वर्ग अंतराल दिया होता है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे 40 और प्लस यहाँ पे 50 करेंगे, इसमें कितने से भाग लगा देंगे, 2 से। तो 40 और 50 अब जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। जब इसमें आप 2 से भाग लगाइएगा तो ये कितने बार में कटेगा, ये 45 बार में कटेगा। यानी जो इसका वर्ग चिन्ह होगा वो कितना होगा, 45 होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आप काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए यदि tan थीटा बराबर cot थीटा हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि tan थीटा बराबर cot थीटा हो तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कि sec थीटा का मान आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो tan थीटा और cot थीटा कितने डिग्री पे, एक ही बात आपको याद रखना है कि tan थीटा और cot थीटा का मान कितने डिग्री पे बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि tan 45 का भी मान कितना होता है, 1 होता है, और cot 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये 45 डिग्री पे दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि tan 45 डिग्री बराबर यहाँ पे cot 45 डिग्री, ये दोनों 45 डिग्री पे आपस में क्या है, बराबर हैं। यानी थीटा का मान यहाँ से कितना निकल गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिए थीटा के जगह पे 45 डिग्री। तो यहाँ पे sec है और थीटा की जगह पे आप कितना रखेंगे, 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये √2 होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप वो वैल्यू वाला टेबल आपको पता होगा त्रिकोणमिति में, तो आप लोग को फटाक से आपको समझ में आएगा कि sec 45 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट यहाँ पे 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अंडर रूट 2, यानी √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। यहाँ पे आपको माध्य निकालना है और वो भी प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो 5 प्रथम प्राकृत संख्या कौन कौन होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और ये 5 होता है। तो इसका क्या करना है, आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, तो टोटल संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, टोटल संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, और जितनी संख्या होता है उसमें उतने से भाग लगा दिया जाता है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या कर दीजिए, 5 संख्याओं से इसमें क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उतना से इसमें भाग लगा दीजिए। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, यहाँ पे 1 और 2 3 3 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15, और बट्टा हो जाएगा 5, कटा दीजिए 5 3 15, यानी इसका माध्य कितना निकल गया, 3 निकल गया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, AP 2 5 8 11 का 9वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो 9वां पद है वो आपको यहाँ पे निकाल देना है इस एपी का। तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पे 8d होता है, एक कम करके लिखा जाता है। तो 9वां पद निकालने के लिए आपको a चाहिए और क्या चाहिए, d चाहिए। तो ये a क्या होता है, तो ये प्रथम पद होता है, d क्या होता है, सार्व अंतर। तो जो एपी का पहला पद होता है वही क्या होता है, a होता है। यानी a का मान कितना निकल गया, 2,
और डी कैसे निकाला जाता है, तो डी होता है सार्वांतर, यानी दो पदों का अंतर। तो दूसरे में से जब पहले पद यहाँ पे घटाया जाता है तो डी निकलता है। तो दूसरा पद यहाँ पे देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे पांच है तो यहाँ पे लिखेंगे पांच, और पहला पद दो है तो यहाँ पे लिखेंगे दो। तो पांच में से दो निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे तीन बचेगा, यानी डी का मान तीन निकल गया और ए का मान दो निकल गया। बस आपको यहाँ पे रखना है, तो एक जगह पे दो लिखेंगे और प्लस है तो प्लस, आठ है तो आठ, और ये आठ क्या करता है डी में गुणा करता है, तो यहाँ पे गुणा, और डी का मान यहाँ पे कितना निकला है तीन, तो यहाँ पे लिखेंगे तीन। सबसे पहले आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा आठ त्रिका कितना होता है चौबीस, और यहाँ पे देखिए चौबीस और दो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे छब्बीस हो जाएगा, यानी यहाँ पे नौवां पद कितना निकलेगा छब्बीस निकलेगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिस समीकरण में चर का महत्तम घात एक होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में यहाँ पे चर का महत्तम घात कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है, तो यहाँ भी क्या है कुछ भी नहीं है एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। यहाँ भी चर का महत्तम घात एक है तो ये भी रैखिक समीकरण है, यहाँ भी एक एक है चर का महत्तम घात तो ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें चर का महत्तम घात दो है तो ये कौन सा समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन रैखिक समीकरण नहीं है, तो रैखिक समीकरण ए बी सी ये तीनों है, लेकिन डी वाला ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक गोला है जिसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आपको क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 और पाई का मान हमको पता है 22/7, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या पता नहीं है, यहाँ पे त्रिज्या के जगह पे क्या दिया है व्यास दिया है। तो व्यास से सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है व्यास बट्टा क्या होता है यहाँ पे 2। तो व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर और बट्टा यहाँ पे 2, जब इसको कटाएंगे तो ये 7 बार में कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना निकल गया हम लोग का 60 सेंटीमीटर। अब हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर यहाँ पे 4 गुणे यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 7 सेंटीमीटर आपको दो बार लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 से 7 कट गया और यहाँ पे देखिए 22 चौक कितना होता है यहाँ पे 88 और गुणे यहाँ पे क्या होगा 7 और यहाँ पे कितना होगा 7 और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि 88 में 7 से गुणा कराना है, तो 8 × 56 के यहाँ पे 6 हाथ में लगा कितना होगा यहाँ पे 5 और 8 × 56 और 5 कितना होगा यहाँ पे 61 होगा, तो यहाँ पे 61 लिख देंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, 3 घात वाले बहुपद का कितना शून्यक होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 घात वाला अगर बहुपद हो यानी त्रिघात बहुपद हो तो उसका शून्यक कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 घात वाले बहुपद का जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। यहाँ पे एक ट्रिक जान लीजिए कि जिस बहुपद का जितना ही घात होता है उसका उतना ही मान होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद है यानी इसका घात कितना है 3 है, तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा 3। अगर द्विघात बहुपद हो तो उसका घात कितना होगा 2 होगा और उसका शून्यक भी कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अगर रैखिक बहुपद हो तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है, तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा 1 निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त है
यानी एक आधा वृत्त है और इसकी यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है 35 मीटर, यानी इसका जो त्रिज्या है ये कितना है यहाँ पे 35 मीटर है, यानी आर का मान यहाँ पे 35 मीटर दे दिया है। तो इसका आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है पाई आर और प्लस क्या होता है यहाँ पे 2 आर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों में जगह आर आर है तो आर कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई और प्लस यहाँ पे 2, यहाँ से क्या बच जाएगा पाई और यहाँ से क्या बच जाएगा केवल 2 बचेगा, क्योंकि दोनों में से आर क्या कर दिया गया है बाहर निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया है 35 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 मीटर और यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर एक छोटा सा बट्टा का जोड़ बनाना है, यानी यहाँ पे 35 मीटर और 7 एक का लघुत्तम, यहाँ पे 7 सात से सात एक बार में कट जाएगा, 22 एकम कितना होगा 22 और प्लस यहाँ पे देखिए 1 में 7 से गुणा हो भाग देंगे तो ये 7 बार में कटेगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 जब गुणा कराएंगे। तो अब क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपको जैसे आप बनाते हैं बट्टा का जोड़, बस आपको यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे हो गया 7 और जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए कितना होगा यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे हो गया 36/ यहाँ पे 37। अब क्या कीजिएगा, ये ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूट गया गुणा का चिन्ह और यहाँ पे 36/7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ से कटा दीजिए 7 × 5 = 35 और यहाँ पे क्या बच गया 5 × 36, जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो 6 × 5 यहाँ पे 30 के जीरो हाथ में लगा 3 और 5 × 3 = 15 और 3 कितना होगा 18, यानी 180 मीटर क्या होगा इसका परिमाप होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो जितना भी हम आपको फॉर्मूला बताते हैं आप लोग नोट करते चलिए और याद कर लीजिए, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 20-30 ही फॉर्मूला है पूरे मैथ में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा तो उससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, 15 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, बोल रहा है कि अगर 144 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 का घात कितना होगा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कटाइए तो 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4, फिर यहाँ पे 2 से कटाइए तो 2 × 3 = 6 और 1 जाएगा यहाँ पे 12, यानी 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से कटाइए ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटाइए ये 9 होगा, फिर यहाँ पे 3 से कटाइए तो 3 × 3 = 9, यानी यहाँ पे देखिए क्या आ गया 2 × 2 × 2 और गुणे यहाँ पे देखिए 3 × 3, यहाँ पे लिख दिए 4, यहाँ पे 2 आया है और 3 यहाँ पे कितना आया है 2 आया है, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे 4 की यहाँ पे 2 कितना बार आया है 4 बार तो 2 के पावर 4 और 3 कितना बार आया है 2 बार तो 3 के पावर यहाँ पे 2। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 का महत्तम घात कितना होगा, तो 2 का महत्तम घात कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में अगर पूछ देता कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का महत्तम घात कितना होगा, तो 3 का घात कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 पूछा था कि 2 का घात कितना होगा तो 2 का घात 4 होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वे ये ऐसे प्रश्न थे जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसे पूछता है वैसे ही ये प्रश्न थे। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, होमवर्क प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पे देखिए क्यू और यहाँ पे यदि पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मोशन निकालें, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या है एक अभाज्य संख्या है तो उसका मोशन निकालना है, तो मोशन निकालिएगा और जो भी आपको इसमें से ऑप्शन इसमें से सही आए वो आप हमें क्या कर दीजिएगा कॉमेंट कर दीजिएगा, आपके कॉमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी है सब्सक्राइब करने के बाद, तो सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।